हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आपका मल्टी क्रिएशन एक्सक्लूसिव में फिर से स्वागत है। मैं आपके लिए एक और नया डिज़ाइन लेके आई जो बहुत ही सुंदर है। इसे लेडीज स्वेटर और बेबी स्वेटर पे बहुत ही अच्छा लगेगा। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा 1000 का टारगेट है सब्सक्राइब पूरे करने का। प्लीज़ हेल्प करो मेरी और लाइक और सब्सक्राइब करो। और अभी मैं, चलिए इतना सा बॉर्डर बना के मैं आपको बताती हूँ कि इसे कैसे बनाना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला फंदा हमने ऐसे बना लेना, बिना बनाए उठा लेना इसे, और आगे आगे तीन फंदे सीधे, ये तीन फंदे हमारे आगे सीधे। ये हमारी फर्स्ट रो है, सीधे आगे। अब ये जो दो फंदे सीधे हैं हमारे, इसे ऐसे बनाना है धागे पीछे। ये हमने एक के तीन बनाने, फिर से इसका भी एक से एक का तीन ऐसे बनाने। ये दो फंदे के हमने छह बना दिए, और फिर से हमारे चार फंदे सीधे। सारी रो हमारी ऐसे ही बन के कंप्लीट हो जाएगी। ये चार फंदे सीधे, बहुत ही आसान डिजाइन है। इसे ट्राई जरूर करना है, बच्चों के और जो बेबी फ्रॉक वगैरह उस पर बहुत ही अच्छा लगेगा। और जो लेडीज गर्लिश टॉप उस पर भी बहुत अच्छा लगेगा। इसे ट्राई जरूर करना। ये हमारी फर्स्ट रो है, हमारी आ गई सेकेंड रो। ध्यान से देखना इसे, बिना स्किप करके देखोगे तभी समझ आएगी। और ये जो हमने बिना बनाए जो हमने ये एक के तीन किए थे, उसे हमने ऐसे ही उठा लेना है। इसको हमने बनाना है, और फिर ये वाला भी है। वीडियो को एंड तक वॉच करना, लाइक और सब्सक्राइब करना, कमेंट भी करना आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। और प्लीज़ मेरे टारगेट पूरा करने में हेल्प करो। हमारी सेकंड रो, सेकंड रो हमारी कंप्लीट हो गई। अभी हमारी आई है थर्ड रो। फ्रंटों को ध्यान से देखना। अभी एक फंदा हमने बिना बनाए उठा लेना, और अभी ये जो तीन फंदे हमने एक के तीन किए थे, इसको और इसको ध्यान से देखना है। ये जो तीन फंदे हैं हमारे, इसे हमने राइट सिलाई में लाना है। और ये जो दो फंदे सीधे हैं, इसे हम लेफ्ट सिलाई में लाएंगे। और ये तीन फंदे, तीनों का हमने एक कर लेंगे। पहले भी हमने एक के तीन किए थे, अभी फिर से हमारे तीन के एक हो जाएंगे। ये जो थर्ड रो ऐसे ज़रा ध्यान से देखना, और ये जो ये दो फंदे हमारे सीधे। तो
और ये हमारे तीन ये, और ये जो ये चार सीधे लिए थे ना, इन तीनों, ये तीन और ये तीन, फिर अगले डिजाइन में ये वाले तीन और ये दो, ऐसे करेंगे। एक और पीछे से लेंगे, एक और आगे से लेंगे। दो पीछे से ले लें और ये वाले तीन ये हमने लेफ्ट सिलाई में चढ़ा लेंगे। इसे जरा ध्यान से करना, ऐसे करके ट्विस्ट करना, और ये आगे दो कंधे हमारे सीधे आगे, और ये हमारा तीन का एक है। ये देखिए, ये हमारे चार बीच में और एक एक साइड पे, ये छह फंदे हमारे फिर से बन गए। अब ये हमारे आगे फिर से हमने ये वाले फंदा जो बीच वाले तीन है इसे राइट में ले लेंगे, और ये पीछे वाले लेफ्ट में फिर से इसके ऊपर करके हमें ऐसे ये दो कंधे हमारे बीच में सीधे। बहुत सुंदर डिजाइन बनता है, इसे ट्राई जरूर करना। ये हमारी थर्ड रो है, ये सारी रो हमारी ऐसे ही बनेगी। ये हमारी फोर्थ रो आई है, ये रॉन्ग साइड हमारी सारी रॉन्ग आई है, ये रॉन्ग साइड हमारे सारे फंदे उल्टे आ जाएंगे। ये देखिए, ये इतना बन गया ये हमारा। अब हमने इसका रिवर्स करना है, जैसे ये बना हुआ ना हमारा डिजाइन, ये अभी इन दो के ऊपर जो हमने किए थे, दो के छः बनाए थे, फिर ये दो चार, फिर इसके ऊपर दो के छः, ये चार, और इसके ऊपर दो के छः। चलिए यहाँ पे बना के देखते हैं। ये ध्यान से देखना है कि जो इन दोनों के बीच है उसका बनाना है। ये दो चार सीधे हमने ऐसे बना लेने, और ये वाले ये जैसे फर्स्ट रो है सेम वैसे ही बनेगी, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि इसके अपोजिट में आएगी वो, जैसे कि ये जो दो बने इसके ऊपर, बाकी सारा सेम फर्स्ट रो है। बस इसका थोड़ा सा डिजाइन बनाने के लिए इसे थोड़ा अपोजिट में रखना पड़ेगा। चार सीधे, और ये जो इसके बीच में इनका दो का छेद करना।
बाकी रॉन्ग साइड वैसी आएगी जैसी हमारी सेकंड रो थी, वैसी ही वाली रो रिपीट होगी। तो ये देखिए हमारा ये रॉन्ग साइड के बाद फिर से हमारी जैसे कि थर्ड रो थी सेम वही रिपीट होगी। तीन का एक ऐसे बना लेते हैं। ये लास्ट वाला चाहे आप नहीं भी बनाओ। वो लास्ट वाले हैं, इसको ऐसे मत बनाना, चाहे सिंपल ही बना सकते हैं। यहाँ पे आया लग जाए, ये हमारे तीन जो दो के एक का तीन ही आया था, अब ये दो उसका ये वाले तीन ही पहले उठा लेंगे। ये सारा सेम है ये, और इसे मैं आपको रिपीट करके बता रही हूँ इसे भी डिजाइन बनेगा। चार सिलाइयों का डिजाइन है, चार सिलाई बन के तैयार हो जाता है। फिर से आगे इसको रिपीट करने के लिए थोड़ा रिवर्स में करना पड़ता है, अपोजिट में सॉरी। बहुत ही सुंदर डिजाइन है, इसे ट्राई जरूर करना है। इसकी रॉन्ग साइड आएगी सारी में जिन्होंने मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे बनेगा डिजाइन, ये देखिए ये इतना बन के तैयार हो गया है, बहुत ही सुंदर लगता है ऐसे, प्लीज ट्राई जरूर करना, देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये। Thanks to watch my channel.